दिस इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज से दैट माई ऑडियंस इज़ एन इीट ऑडियंस जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं दे ऑल हैव द कैपेसिटी टू गेट वेरी गुड रैंक्स इन द सिविल सर्विस एग्जाम एंड दिस यू कैन से नोट ऑफ थैंक्स इज़ अ टेस्टोमिनी टू दिस फैक्ट राइट सो फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट लेटेस्ट कॉन्ग्रेचुलेट मोनिका पटेल राइट शी वॉज विद मी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी शी आट कनेक्टेड विथ मी एंड देन उसके बाद टाइम एंड अगेन उसने राइट रिवाइज विथ मी सीरीज प्लस पी एस आई आर वगैरह की गाइडेंस ली राइट एंड देन आफ्टर दैट शी गॉट सेलेक्टेड राइट सो इसका एक नोट आया एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अबाउट दिस इज दैट कि इसने मैथिली लिटरेचर से पी एस आई आर ऑप्शनल में चेंज भी किया था एंड फर्स्ट मेन्स में टू सेवेंटी टू लिखा है डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी गॉट बुचर्ड वेरी बैडली इन पी एस आई आर पी एस आई आर की मतलब जनरल बुचरिंग हुई है और आप देखोगे इसकी रैंक और अच्छी हो सकती थी बिकॉज इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर ओनली वन फिफ्टी एट मार्क्स है एल्स शी वुड हैव बीन इन टॉप टू हंड्रेड ठीक है तो शी पर्पसली मैसेज मी में, राइट इससे वी टॉक फॉर फॉरन अराउंड अबाउट हाफ आर हाफ आर इससे बात भी हुई राइट एंड शी वॉज लाइक सो गुड कि भाई इतना अच्छा कॉन्टेंट मिल रहा है राइट एंड मतलब द पीपल आर वेरी लक्की ठीक है तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है ना वो इस चीज़ को करती है ठीक है सो आई होप दिस हेल्प्स यू कि हाँ भाई जो हम वीडियोज बनाते हैं जो मेरी गाइडेंस है राइट वाट एवर इट इज वॉट एवर आई गिव थ्रू माई कोर्सेज थ्रू द फ्री वीडियोज वो बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट है ठीक है सटली इट इज़ इम्पैक्टिंग द पीपल राइट ऑन दिस नॉट लेटस्ट स्टार्ट ऑफ विद द आज का डिस्कशन ठीक है एंड दिस इज द नेक्स्ट टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और विजन विजन का हम यहाँ पे टेस्ट डिस्कस करेंगे ठीक so, है सो लेट्स बिगिन so, दिस uh, सो सबसे पहली बात है इंडिया में मिलिट्स की जो प्रोडक्शन है वो आप कैसे बताओगे तो सिंपल है बाजरा याद रखना बाजरा बी जे आर यानी सबसे ज़्यादा बाजरा फिर जोवार फिर रागी ठीक है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रागी मत लगा देना इट इज़ बी जे आर ठीक है राइट तो ये अगर आपसे पूछा जाए हाइएसट मिलेट प्रोडक्शन कौन सा होता है तो बाजरा और फिर जौहार फिर रागी अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे टेल मी कि सबके ना यहाँ पे हाईएस्ट uh, स्टेट्स कौन से ठीक है चलो एक काम करते हैं लेट लेट मी हेल्प यू लेट मी हेल्प यू जोवार का मैं बता देता हूं झम यानी महाराष्ट्र ठीक है रागी का बना दिया रा का रा कर्नाटका अब तुम मुझे बाजरा का बता दो इतनी तुम मेरी मदद करोगे मुझे पता है ठीक है तो टेल मी विच इज द स्टेट विच प्रोड्यूसेज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ बाजरा ठीक है इन मिलेट्स आपको मुझे बता रहे हैं दो के मैंने देखो बता दिए ठीक है चलिए लेट्स मूव लेट्स टॉक अबाउट यर ट्रीटी ऑफ वडगॉन् के बारे में तो टी टी ऑफ वडगांव बड़े बड़े लोग बड़े लोग कहां बड़े लोग कहाँ रहते हैं बड़े बड़े लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो टी टी ऑफ बड़े बड़े लोग यानी महाराष्ट्र ये हुई थी मराठा एंड ई के बीच में ठीक है प्लस वडगांव अगर आप देखोगे कि गाँव इस तरीके की जो जगह है ये साउंड भी वहाँ से महाराष्ट्र साइड से कर रहा है राइट एंड दिस वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ठीक है सेवनटीन में साइन हुई थी तो पूछ लिया जाए भाई टी टी ऑफ वडगांव ठीक है तो याद रखना है इंग्लिश एंड मराठास एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में थी नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कराची सेशन के बारे में द वेरी फेमस 1931 में जो हुआ था यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना क्या कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे वो थे आपके पटेल ठीक है तो डॉक्टर मतलब आ, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द प्रेसिडेंट ठीक है और यहाँ पे अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम तो अगर पूछा जाए आपसे ठीक है रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम कहाँ था सो दैट वॉज इन नाइनटीन ठीक है एंड कराची सेशन एंड पटेल वॉज द प्रेजिडेंट ठीक है तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है हरीपुरा से कन्फ्यूज मत हो ना हरिपुरा में नाइनटीन थर्टी एट में बोज वॉज द प्रेजिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी एंड वहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमेटी को अडोप्ट किया गया था मतलब दैट वॉज मेड और ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी ना दिस वॉज मेड अंडर द यू कैन से चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू तो पूछा जा सकता है यहाँ पर नेहरू चेयरमैन है क्या है कैसे हैं तो नेहरू इस कमिटी के चेयरमैन थे बट कांग्रेस के चेयरमैन उस टाइम बोस थे तो इसी देखो छोटी छोटी बात में यहाँ फंसाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है राइट right? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते लेट्स मूव हेड मिशन कर्मयोगी के बारे में देखिए आप सबको पता है इट इज़ द नेशनल प्रोग्राम फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इसके चार कॉम्पोनेट है याद रखना सबसे पहले आता है पी एम यानी प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल ठीक है और इसके जो चेयरमैन है वो आपका प्राइम मिनिस्टर खुद है ठीक है सेकेंड आता है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ठीक है अब यहाँ पे दिस वुड बी चेयर बाय अ जॉइंट सेक्रेटरी ठीक है थर्ड इसका कंपोनेंट है प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट पी ये आपका अंडर द डी होगा एंड फोर्थ जो कॉम्पोनेंट है वो स्पेशल पर्पज व्हीकल्स होंगे राइट एंड दिस एस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी जिसका काम है कि ये जितना ही डिजिटल ई लर्निंग ये सारा प्लेटफॉर्म वगैरह ना इसको चलाना ठीक है सो इट इज़ अ हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट ओन्ड ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कितने कॉम्पोनेट है राइट जॉइंट ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट एसपीवीस पी एम पी एच आर सी ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहां चेयरमैन ध्यान रखना भाई ये चेयर जो पीएम चेयर करता है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं वेलोर म्यूटनी के बारे में सो so, वेलोर म्यूटनी याद रखना एटीन जीरो सिक्स में हुई थी ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक एंड ओवर हेयर द सेपॉय वर आज टू शेव देयर हेड्स जैसे मुस्लिम से बोला जाता था आप शेव करो हिंदू से बोला जाता था कि भाई यू शुड नॉट वेयर एनी काइंड ऑफ रिलीजियस सिम्बल्स ठीक है तो इस वजह से क्या था इस वजह से ये आपकी वेलोर म्यूटनी हुई थी तो याद रखना वेलोर म्यूटनी है और याद रखना एक मैंने बैरकपुर भी आपको बताया था राइट आपको एक बैरकपुर भी बताया था जो आई थिंक एटीन ट्वेंटी फोर के आसपास हुई थी तो ये सभी ना आपको क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते लेट्स मूव अड लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल फर्स्ट टाइम कब बनी थी 1962 में ये चीज़ ध्यान रखना नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैंटी लॉन इफेक्ट के बारे में कैंटी लॉन इफेक्ट तो कैंटी लॉन इफेक्ट कुछ नहीं होता इट रिफर्स टू द आइडिया कि अगर देर इज चेंज इन द मनी सप्लाई ठीक है इकोनॉमी में मनी सप्लाई चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ परचेजिंग पावर रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है यानी कैंटी लॉन इफेक्ट क्या कर रहा है कुछ नहीं सर सी पी एम सी पी एम सी पी एम यानि परचेजिंग पावर एंड मनी सप्लाई बस ये अगर आप याद रखोगे तो वो पूछ सकता है कैंटिलोन और ना इस तरीके का किसका ग्राफ है कहीं इनका म्यूनिक क्वालिटी पूछ लेगा या कहीं वो ये पूछ लेगा टैक्सेशन वाला जो लेफ़र कर्व है ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखना देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ओलिगोट्रॉपिक लेक के बारे में ओलिगोट्रॉपिक लेक के बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा इट हैज़ लो प्रोडक्टिविटी इट हैज़ लो प्रोडक्टिविटी एंड इज़ दिस सो ठीक है क्योंकि यहाँ पे ना लो न्यूट्रिएंट होते हैं ठीक है इट हैज़ लो प्रोडक्टिविटी बिकॉज क्या बोलते हैं यहाँ पे लो न्यूट्रिएंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं जब यहाँ पे लो न्यूट्रिएंट्स हैं तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन नहीं होगा अब जब यूट्रोफिकेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन हाई होगी बिल्कुल और ऑक्सीजन हाई होगी तो यहाँ देर विल बी मोर एनिमल स्पीशीज ये ध्यान रखिएगा अब मुझे बताओ एल्गे क्या होंगे यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जब लो न्यूट्रिएंट है तो लो एल्गे ग्रोथ होगी बिल्कुल तो देख रहे हो सो ऑलिगोट्रॉपिक लेक दो इज अ लो प्रोडक्टिविटी वाली लेक बट एनिमल स्पीशी यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगी एंड दिस आई एम सेइंग इन कंसिडर टू यूट्रोट्रॉपिक लेक प्लस ऑब्वियस ही बात है वाटर क्वालिटी यहाँ की अच्छी होगी क्योंकि लो अमाउंट ऑफ आपके न्यूट्रिएंट्स लो एलगे ये सब चीज़ें तो यू कैन डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप इसको आ, मतलब मोर क्लैरिटी से इस वाटर को देख सकते हो ठीक यूट्रोफिक लेक जो होती है वो तो पूरी ग्रीन सी हो जाती है आप देखते हो ना ठीक है तो ये ध्यान रखना देन नेक्स्ट ध्यान रखना ओशन एसिडिफिकेशन क्या करता है डिक्रीज द पी एच ऑफ वाटर ऑब्वियस ऑबियसि बात है एसिड जब होगा तो पी एच तो कम होगी एंड एक चीज़ ध्यान रखना लेस पी एच इज एसिडिक कभी हम ना यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एसिडिक हो रहा है हाँ हाँ तो पी एच ज़्यादा हो रही है ना अगर पी एच बढ़ती है तो बेसिक होता है ठीक है ये ध्यान रखना देन मोस्ट ऑफ द सल्फर जो आपको एटमोसफियर में मिलता है वो कहाँ से आता है इट इज़ रिलीज बाय ओशन ये चीज़ ध्यान रखना कैसे सर कैसे ऐसे कि भैया डाई मिथाइल सल्फाइड ओशन से निकलता है अब वो कौन निकालता है सर जी वो एलगे निकालते हैं यानी अगर एलगे की कंसनट्रेशन में चेंज हुआ तो क्या होगा तो भाई ये आपका सल्फर दिक्कत करेगा और यही डी आगे जाके एरोसोल बनाता है यानी यही आपकी बारिश को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं दिस इज अ पी वाई क्यू विच वॉज आज इन एग्जाम याद रखना ठीक है तो इसीलिए याद रखना दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एरोसोल क्लाउड एंड रेन तो देख रहे हो कि कैसे आपका यहाँ पे एल्गे की कंसंट्रेशन कैसे मोर एंड मोर ओशन एसिडिफिकेशन कैन यू कैन से डिस्टर्ब द रेनफॉल इंक्रीज और डिक्रीज ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फिर से बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द सल्फर जो आता है एटमोसफियर में वो रिलीज होता है ओशन से ओशन में होते एल्गे एल्गे देते डायमिथाइल सल्फाइड और यही डाइमिथाइल सल्फाइड आगे जाके हवा में एरोसोल बनते हैं एरोसोल के आसपास कंडेंसेशन होता है एंड कंडेंसेशन से होती है रेन बहुत बेसिक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक आसान भाषा में जल्दी से जल्दी समझा दिया लेट्स मूव अहेड अच्छा अब इसी में अब खुद बताओ अगर पीएच कम हो गई पानी की ठीक है एसिडिक हो गया एल्गे मर गए बिल्कुल और एल्गे मर गए अगर तो क्या हुआ डायमिथाइल सल्फाइड घट गया यानी क्लाउड घट गए क्लाउड घट गए तो रेन घट गई हाँ है ना इसीलिए ओशन एसिडिफिकेशन इज़ वेरी डेंजरस ठीक है राइट ओशन एसिडिफिकेशन इसीलिए बहुत डेंजर चीज है कि रेन को आप देखो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है ठीक है राइट नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखो ए टू प्लस एफ एल अब ए टू प्लस एफ एल ना ये बेसिकली विद रिगार्ड्स टू द एम एस पी ठीक है और ये आपका इस पैरामीटर पे एम एस पी हमारे देश में दिया जाता है ठीक है राइट कि भैया को देर इज़ अ ए टू प्लस एफ एल मतलब द कॉस्ट ऑफ फार्मर प्लस द वैल्यू ऑफ द फैमिली लेबर ठीक है तो जो आपका सी ए सी पी है जो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज है ठीक है ये ना ए टू प्लस एफ एल को जज करता है और इसके बेस पे ये रिकमेंड करता है तो अच्छी बात है अच्छी बात नहीं है किसान भाई कहते नहीं सर हमें ए टू प्लस एफ एल नहीं चाहिए हमें एक चाहिए सी टू अब सी टू क्या है सी टू में ए टू प्लस एफ एल तो होगा प्लस आप ना इम्प्यूट रेंट वैल्यू कैलकुलेट करो जो हमारी ओन्ड लैंड की है प्लस आप ना इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करो हमारे जो फिक्स एसेट है इस C2 का इस C2 का सर हमें 1.5 परसेंट दो आप वो ये डिमांड कर रहे हैं ठीक है राइट और यही चीज़ एम एस स्वामीनाथन कमेटी ने दी थी इसीलिए ना जो ये किसान ये कहते सरकार ने हमारे साथ धोखा किया क्योंकि इन्होंने वन तो किया बट इन्होंने ए टू प्लस एफ का वन किया अपन को चाहिए C2 का सन में आ गया ठीक है तो पूछा जा सकता है ठीक है राइट कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू ऑफ द ओन्ड लैंड प्लस जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स हैं उन उनपे कुछ इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे होते तो वो भी दो सर आप ठीक है बिकॉज एवरी कैपिटल एसेट अकॉर्डिंग टू दी किसान भाई यील्ड्स सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट आगे बढ़ते लेट्स मूव एट बैटल ऑफ हल्दी घाटी आए हल्दी तो याद रखना हल्दी घाटी हुआ था आपका 1576 में एंड दिस वॉज बिटवीन द मुगल फोर्सेज ऑफ अकबर विच वॉज यू कैन से लेड बाय मानसिंह एंड द राजपूत फोर्सेज ऑफ राना प्रताप सागर ये थी ध्यान रखना ठीक है और यहाँ राजपूत ने देश शोड अ ग्रेट रेजिलियस काफ़ी अच्छा रेजिलियंस दिखाया था ठीक है तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फिफ्टीन सेवेंटी सिक्स इज द डेट ये भी याद रखना आगे बढ़ते लेट्स मूव आइट इरीगेशन याद रखिएगा इरीगेशन वॉज अ रिजर्व्ड सब्जेक्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन एक्साइज क्या था एक्साइज वॉज अ ट्रांसफर सब्जेक्ट तो लगता है कि एक्साइज विल बी रिजर्व ना 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 एक्साइज वॉज ट्रांसफर्ड इरीगेशन वॉज रिजर्व नेक्स्ट बात करते हैं अमेजॉन रिवर एक ऐसी रिवर है जिसकी एक ट्विन रिवर भी बहती है उसके नीचे एंड दैट रिवर इज कॉल्ड एज हमजा ठीक है राइट तो अमेजोन ऐसे बह रही है तो एक नीचे एक ऐसे रिवर भी उसके पैलली उसके बह रही है तो याद रखना अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी रिवर है तो अम हम अम हम ठीक है या हमज़ा हमजा याद रखना अमेजोन की एक नीचे है और अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही मतलब ये डिस्कवर हुई है मतलब टाइट हो गया टाइम बट आई एम जस्ट टेलिंग यू नेक्स्ट बात करते हैं सेसमिक गैप के बारे में प्लीज़ रिमेंबर सेसमिक गैप वो एरिया होता है विच इज़ प्रोन टू अर्थक्विक बट यहाँ पर अभी ना एक्टिविटी बहुत टाइम से हुई नहीं है ठीक है दिस इज़ वॉट इज अ सेसमिक गैप ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नियोलिथिक साइट को सर आप याद करवा सकते हो ये बड़ी दिक्कत होती है बिल्कुल बी मास्क सी एस के ठीक है बी मास्क सी एस के बी बुरजा होम और ऐसे भी ध्यान रख लो बुरजा बुरा तो बुरे लोग न्योलेथिक टाइम में मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं बी जी तो गुफ करल ये भी जम्मू कश्मीर में बुरजा होम भी जम्मू कश्मीर में बी जी पी ठीक है पी आएगा पायाम पाया पल्ली तमिलनाडु में ठीक है पायाम पल्ली बी जी पी मास्क मस्की सी चिरांद, एस सराई खोला ठीक है सराई खोला ये कहाँ है पाकिस्तान में ठीक है एंड नेक्स्ट आता है खोल डीवा ठीक है खोलडीवा आपकी एम में आता है नॉट यूपी याद रखना तो सबसे पहले तो पता है भाई क्या पता होना चाहिए आपको इन सभी लोकेशन की ना स्टेट्स पता होना चाहिए वो ऐसी मैच करने को दे देगा चिरांद यूपी ठीक है मस्की उत्तराखंड ऐसे ही तो मस्की पता है ना कर्नाटका है चिरांद आपका बिहार है सराई खोला तो खोल दो पाकिस्तान को खोल दो ठीक है खोल डीवा कहाँ खोल डीवा मध्य प्रदेश में खोल डीवा ठीक है ना कि यूपी में ये ध्यान रखना ऐसे फंसाएगा अभी और एक दो और है एक और है एक है चौपानी भी और एक है बेलन वैली भी है नॉर्थ इंडियाज में तो ये चीज़ ध्यान रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए ठीक है राइट नियोलिथिक साइट्स को याद करने का तरीका बीजेपी मास्क सी एस के एटलीस्ट इतनी साइट्स तो याद करके चले ही जाओ इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट में कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा ठीक है राइट और यार है ना सराई खोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है सराई खोला क्योंकि ये नई साइट आएगी ना बाकी तो क्या पता याद हो जाए ठीक है और इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे भाई यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में तो प्लीज़ रिमेंबर 1947 में ये बना था लेट मी चेंज दिस इसका कलर चेंज करता हूँ जस्ट वन सेकेंड ठीक है 1947 में बना था राइट एंड दिस वाज अ कमीशन ऑफ द यूएन एन ईको स्टॉक ठीक है और इसमें याद रखिएगा इसमें जो ट्वेंटी फोर होते हैं ना दे आर इलेक्टेड बाई इकोसॉक एंड नॉट यू एन जी ए नॉट यू एन जी ए और अभी इंडिया ना इसका करेंटली इट वॉज इलेक्टेड इट्स मेम्बर दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज़ ठीक है तो यू एन स्टैटिस्टिकल कमीशन ये चीज आप ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट बात करते सीधा मातृका और या फिर कुटिला ये आ जाए तो ये क्या है ये कुछ नहीं है ये एक ना एंशंट स्क्रिप्ट होती थी सिक्स सेंचुरी सी में एंड ऐसा कहा जाता है इससे बहुत सारी स्क्रिप्ट आगे डिराइव हुई तो मॉडर्न में जो आप नॉर्थ इंडिया में स्क्रिप्ट देखते हो ना इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम सीधा मातृका अब सर आपको याद कैसे मेरे भाई मातृ मातृभाषा ओ सर यानी ये भाषा से रिलेटेड है याद हो गया याद हो गया भाई बिल्कुल याद हो गया बिल्कुल याद हो गया ठीक है सीधा मातृका मातृभाषा ठीक है सर लेंगे और इसी को स्लैश कुटीला भी बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट याद रखना ग्रीक एम्बेसडर कौन कौन किस रूलर में आए थे अब दो याद रखना एक आता है दिमाइचुस ठीक है बिंदुसार में ठीक और एक होता है डियोनासियोस यह अशोक में आया था अब कैसे इसको याद रखें तो इसे अगर तेज से बोलोगे डिमाइचिस तो माचिस वर्ड आता है माचिस और माचिस का मतलब क्या माचिस से बीड़ी जलाएंगे यानी बिंदुसार है और डायनासोर डिओनासोस डायनासोर डायनासोर अशोक अशोक को बहुत पसंद थे ठीक है राइट अरे भाई उस टाइम नहीं थे डायनासोर खुद कहानी बना रहा हूँ तो डायनासोर किसे पसंद थे डिओनस ये था अशोक का पसंद था और डिमाइचिस कस के माचिस माचिस से बीड़ी चला ली बीड़ी से बिंदुसार याद हो गया ठीक है भाई ये सब बहुत टफ है अगर आ गया ना एग्जाम में मैं बता रहा हूँ ये नहीं लोग कर पाएंगे ठीक है यू माइट यू माइट भी वंडरिंग बट ना ये नहीं याद होता है लोगों को कौन सा किस में क्या है कौन याद रखता है यार इतना ठीक है राइट तो इसीलिए ना कर लो बस याद ठीक है और ट्रिक मैंने बता दी है चलो आगे बढ़ते इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस ठीक है राइट सो तो इट्स इत, इट्स जॉब इज़ टू तो कंजर्व ऑल सेवन बिग कैट स्पीशीज बट प्लीज प्लीज नोट ये क्लाउडेड लेपर्ड को नहीं करता कल को पूछ लिया जाए डज इट इंक्लूड क्लाउडेड लेपर्ड एज वेल नहीं ये चीज़ ध्यान रखना एंड दिस वॉज बाय इंडिया इन 2023 97 कंट्रीज इसका पार्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्लीज़ नोट वॉट इज़ आयरन फर्टिलाइजेशन इट इज़ नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की कार्बन कैप्चर टेक्निक है कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक है और कुछ नहीं होता है इसमें तो ऑब्जेक्टिवेज कि भाई आप क्या करो यहाँ पे ठीक है जस्ट ट्राई टू जस्ट ट्राई टू पुट अ लॉट ऑफ जो जो आपका ये है आयरन इन टू द ओशंस और वहाँ पे आप यू ट्राई टू तो ग्रो, ग्रो एल गे और ये सारी चीज़ें और बेसिकली कार्बन को सिक्वेस्टर ओशन में कर दो ठीक है तो आयरन फर्टिलाइजेशन क्या इट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक तो पूछा जाए तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा ठीक है तो एक द वीडियो लेंथ इज़ इंक्रीजिंग तो एक काम करते हैं लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर नेक्स्ट वीडियो मैं तुरंत इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर रहा हूँ राइट क्योंकि एक साथ जब बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है ना तो यूट्यूब पर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है ठीक है और भाई अगर यार इफ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स अगर आपको लग रहा है यार प्लीज़ डू शेयर इट प्लीज़ डू लाइक इट आई फील बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते ठीक है लाइक भी नहीं करते यार ठीक है दिस इज द वॉट एटलीस्ट लिस्ट आप इतना तो कर सकते हो ना ठीक है और टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को जरूर ज्वाइन कर ले ठीक है राइट यू विल गेट अ लॉर्ड ऑफ मतलब गुड गाइडेंस ठीक है और एक बहुत ऑनेस्ट और एक बहुत रियल गाइडेंस तुमको मिलेगा ठीक है चलिए दिस इज़ मी सो मच साइनिंग ऑफ बाय